वेलकम टू रोशी हयात किचन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम बनाएंगे व्हीट फ्लावर शीरा, यानी कि गेहूं के आटे का हलवा। ये बहुत जल्दी बन जाता है और जब भी कभी आपके मीठा खाने का मन हो तो आप इसे फटाफट बना सकते हैं। इसके बनने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो इसके लिए 1 कप व्हीट फ्लावर लिया है मैंने, यानी कि गेहूं का आटा जो अमूमन घर में होता है रोटियां बनाने के लिए। इसको छान लिया है। 1 कप शुगर ली है यानी चीनी। 1 कप घी लिया है। ग्रीन कार्डमम लिया है यानी हरी इलायची। इसका मुंह खोल लिया है लेकिन ऐसा कि इसके जो अंदर के बीज हैं वो बाहर नहीं निकले। कार्डमम पाउडर है यानी हरी इलायची का पाउडर। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, कैश्यू नट्स और आलमंड्स यानी काजू और बादाम। 2 कप पानी लिया है यानी कि 2 कप्स वाटर। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले गैस पर एक पैन रख दिया है। इसमें हम घी डाल देंगे कि घी अच्छे से गर्म हो गया। इसमें इलायची डाल देंगे। इलायची को कुछ सेकंड तक इसमें फ्राई करेंगे हम, जिससे घी में इसकी खुशबू आ जाए। देखिए बहुत अच्छी से खुशबू आ रही है इलायची की। अब इसमें हम ये आटा डाल देंगे और लो फ्लेम पे इसे अच्छे से हम भून लेंगे, जिससे इसका कच्चापन सारा निकल जाए। इसे हमें रेगुलर चलाते हुए भूनना है, जिससे इसमें लम्स नहीं पड़े। देखिए इसमें लम्स नहीं पड़ने चाहिए बिल्कुल भी। देखिए हलवा भुनना स्टार्ट हो गया है। इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है, जिससे इसका कच्चापन सारा निकल जाए। ये देखिए आटा का कलर बिल्कुल गोल्डन हो गया है ये। अब इसको हम एक गैस को ऑफ कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसका शीरा बनाएंगे। इसके लिए मैंने वही सेम पैन लिया है, आप चाहें तो दूसरा पैन भी ले सकते हैं। इसमें 2 कप मैंने पानी डाल दिया। पानी का मीजर मैंने उसी कप से किया था जिससे आटे का करा था। इसमें ये डाल दिया है। अब इसमें ये शुगर डाल देंगे यानी चीनी, और इसमें सिर्फ एक अच्छा सा बॉयल देंगे हम, जैसे चीनी इसमें पानी में घुल जाए। बहुत से लोग आटे में डायरेक्ट पानी और चीनी डाल देते हैं और हलवा तैयार कर लेते हैं, उसका टेस्ट भी अच्छा होता है। लेकिन जब हम ऐसे अलग से पानी बॉयल करके उसका शीरा बना के उसमें आटे में डालेंगे तो इसका टेस्ट और भी अच्छा होगा। देखिए पानी में बॉयल आ गया है, इससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे। अब इसमें हम ये आटा जो हमने भून के रखा था ये डाल देंगे और इसे लगातार चलाते हुए हम पकाएंगे, जिससे इसमें लम्स नहीं पड़ जाए। देखिए अच्छी तरह सिमट गया है, इसने पैन बिल्कुल छोड़ दिया है। ये देखिए बिल्कुल क्लीन है ये। अब इस स्टेज पर हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे, काजू डालेंगे, आप चाहें तो अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, बादाम, और इसे फिर और मिक्स करेंगे। अभी इसे ये हमारा तैयार नहीं है, इसे अभी हमें और भूनना है। देखिए इसे हमें जब तक पकाना है जब तक कि ये इसके ऊपर हलवे के ऊपर एक जो हमने घी डाला था उसकी शाइनिंग नहीं आ जाए, इसे अभी हम इसे थोड़ा सा और भूनेंगे। देखिए हलवा बिल्कुल रेडी हो गया है, इसमें एक अच्छी सी शाइनिंग आ गई है ऊपर। हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे डिश आउट करेंगे। ये देखिए हलवा बिल्कुल रेडी हो गया है। ये इसे आप आटे का हलवा बोलें या आटे का शीरा बोलें, कुछ भी आप बोलिए, लेकिन ये खाने में बहुत टेस्टी होता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और इसको आप खुद भी पसंद कीजिए और अपने दोस्तों को भी खिलाइए, अपनी फैमिली में सबको खिलाइए। और इस हमारी वीडियो को, इसको रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। और आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। दुआ में याद रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।